अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 136। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? कारकर्दगी, यानी कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी मशीन है वो कितना अच्छा वर्क परफॉर्म करती है, हाउ वो उसकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन, यानी कि आप कोई भी मशीन है वो कैसे काम करती है, हम उसे कैसे काम ले सकते हैं। वी प्रोवाइड सम ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, जब हम कोई एनर्जी वी प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ मशीन, यानी कि हम मशीन को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। दिस इज़ नेसेसरी फॉर मशीन टू वर्क, यानी कि उस ताकि मशीन क्या करे? काम करे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कोई भी सिस्टम को वर्क परफॉर्म करता है उससे पहले उसे एनर्जी चाहिए होती है। जिस तरह ह्यूमन मशीन आल्सो नीड एनर्जी टू डू वैरायटी ऑफ वर्क, जैसे कि आवर बॉडी यानी हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह है, अब उसे भी एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हम जो खुराक लेते हैं वो हमारी एनर्जी नीड को या हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स को क्या करती है? पूरा करती है। चाहे कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो या उसे वर्क करने के लिए भी क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में बात कर रहे हो, घर में अगर आप स्विच ऑन ना करो तो क्या फ़ैन ऑन हो जाएगा? क्या बल्ब ऑन हो जाएगा? तो उस स्विच के ज़रिए उस फ़ैन को या बल्ब को क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो एनर्जी ही है जो उसको मिलती है, देन वो ग्लो करता है, ये तभी हमारा फ़ैन चलता है। तो जब तक आप किसी सिस्टम को एनर्जी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। वी गिव सम ऑफ एनर्जी टू मशीन एज अ इनपुट टू गेट यूजफुल वर्क डन बाय देम एज अ आउटपुट। जब हम किसी मशीन को जो भी हम लोग एनर्जी देते हैं तो वो एज अ इनपुट होती है टू गेट यूजफुल वर्क डन, यानी कि हमें यूजफुल वर्क डन यानी कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम उसे काम करवाना चाहते हैं, तो जब वो वर्क परफॉर्म करेगा तो ऐसा हमारे पास वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज टू पंप वाटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ठीक है, हमारे घरों में भी लगी हुई होती हैं, वो वाटर को पंप करने के लिए यूज़ होती हैं, टू ब्लो एयर, एयर को ब्लो करने के लिए। हमारे एयर कूलर्स में भी लगी होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, टू वॉश क्लोथ्स, हमारी जो वॉशिंग मशीन है उनमें भी लगी हुई होती हैं, टू ड्रिल होल्स यानी को होल्स को खोदने के लिए भी। फॉर दैट दे यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। हाउ गुड अ मशीन इज डिपेंड हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन इट बाई गिविंग अ सर्टेन इनपुट, यानी कि एक मशीन जो है वो तभी एक अच्छी मशीन तभी कहलाती है कि जब वो हमें एक अच्छी आउटपुट देती है। जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हमें आउटपुट देती है, तभी वो एक अच्छी मशीन है। द रेशियो ऑफ द यूजफुल आउटपुट टू इनपुट एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जज द वर्किंग ऑफ द मशीन। इट इज़ कॉल्ड द एफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज डिफाइनस, यानी कि रेशियो ऑफ यूजफुल, यानी कि हमारे पास आउटपुट और इनपुट के दरमियान में जो रेशियो होती है वही हमें बताती है कि इस मशीन की एफिशियंसी कितनी है। ठीक है, आउटपुट यानी कि हमारे पास जो हम मशीन को इनपुट दे रहे हैं और हमें वो हमारी जो इनपुट हम उसे दे रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हमें वो आउटपुट दे रही है, तो मीन्स के वो हमारे पास रेशियो बिटवीन आउटपुट और इनपुट, तो वो हमारे पास क्या होती है? एफिशिएंसी कहलाती है किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम। एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, यानी कि हमारे पास किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी वो रेशियो होती है इज ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, यानी कि जो हम किसी सिस्टम से एनर्जी ले रहे होते हैं एज अ आउटपुट टू द टोटल एनर्जी टू एज इनपुट, जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं। द एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी अगर हम एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी परसेंट इस सिस्टम की एफिशिएंसी है, तो हम क्या करेंगे? इसे आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। अब आइडियल केस कौन सा केस होता है हमारे पास कि जिसमें जो है हमारे पास हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% आए, तो हम कहते हैं कि ये आइडियल केस है।
अब ऐसा तो नहीं होता कि हम जितनी इनपुट दे रहे हैं हमें उतनी ही आउटपुट मिले, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। पीपल हैव ट्राई टू डिज़ाइन अ वर्किंग सिस्टम वुड बी 100% एफिशिएंट। अब लोग जो हैं वो ऐसी मशीन या ऐसी वर्किंग सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो 100% एफिशिएंट हो, 100% वो वर्क परफॉर्म करे, कोई भी एनर्जी लॉस ना करे। बट प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, सच ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। हर सिस्टम जो है वो एनर्जी को लॉस करता है ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से दैट कॉजेज हीट नॉइज, जो हीट भी प्रोड्यूस करती है और नॉइज भी प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं, अगर हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, कोल को जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी तो हमें मिलेगी जो एज इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज होगी। देन वो उसमें से जो हमारे पास रिलीज़ होगी, जो भी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, वो एनर्जी जो होगी हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगी, पोल्यूट करेगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्यूल की, तो हम गाड़ियों में फ्यूल वगैरह डलवाते हैं तो क्या होता है कि जो जितनी हमारी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी की, उतना फ्यूल तो वो यूटिलाइज करती है, लेकिन जो फ्यूल उसे मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो इन द फॉर्म ऑफ स्मोक जो है वो हमारे एटमोसफेयर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रही है। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द एनर्जी गिवन टू द वर्किंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट यूटिलाइज, हम यूटिलाइज नहीं कर सकते ऑल द एनर्जी टू अ वर्किंग सिस्टम। जो एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज ऑलवेज लेस द एनर्जी इज गिवन टू इज इट एज इनपुट। यानी कि हम सिस्टम को जो भी इनपुट दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भी हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, हमें वो सिस्टम हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट पूरी 100% नहीं देगा, इतनी देगा कि इतना अच्छा से, अगर अच्छा से अच्छा सिस्टम भी होगा तब भी हमें वो उतनी आउटपुट नहीं देगा जितनी हम उसे इनपुट दे रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा।